शबर परे है, एक और मेल परा हुआ है, एक फीमेल परी है, जन्म शबर ब्रीडर फीमेल परी है, काफी डोग हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सारे दिखाता हूँ। शीप डोग इसको कहते हैं। और ये मेले क्योंकि आपके जो चैनल से आते हैं लोग, ठीक है, उनकी डिमांड थी कि आप स्नेक की वीडियो डालें, तो इसके बारे में बताइएगा। ये गब्बर इसका नाम है, ये 8 महीने का है। और वैक्सीन वगैरह इसको सारी लगी हुई है, रेबीज की लगी हुई है, प्रेमाडोल, इनको सारी प्रॉपर जो शेरों वाली वैक्सीन होती है, बिल्लियों वाली, वो इसको प्रॉपर लगी हुई है। और आप इसको प्यार कर रहे हैं, देखिए कितना लविंग है, बहुत लविंग है। अभी ये मैं परचेज करके लाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है, ये एक आधे दिन तक ना ये डस्ट हो जाएगा हमारे साथ। अभी माशाल्लाह देखे भाई, मैं तो इसको जो है ना, वो जिससे मैं लेके आया हूँ उसने मुझे बताया कि ये 5 kg ना बीफ खाता है और 5 kg ये चिकन खाता है, 2 टाइम ये खाना ले रहा है, और ये इसकी एज जो है वो 8 महीने है। अगर आप पूछते हैं इसकी ब्लड लाइन के बारे में, इसकी जो माँ है वो बबरा लाइन से है, इसका जो बाप है वो अफ्रीकन लाइन में से है। अभी और इसका साइज गेन, हाँ अभी तो भाई है? इसके जो कोट है ना, इसकी पीछे वाली टांगों तक इसके बाल आते हैं, बबरा लाइन में से है ना। हाँ ये अभी ये 2-2.5 साल का हो जाएगा, फिर ये आएंगे। अभी तो ये हाइट देख लें, अभी 8 महीने का है, अभी ये प्रॉपर बनना है, अभी ये कुछ भी नहीं है। अगर किसी को लाइन वगैरह चाहिए हो तो कोई, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और वो जो टाइगर होते हैं, उनको वो जो दूसरे होते हैं, हाँ जी टाइगर, मेरा जो काम है ज्यादा आल एलिमेंट का है, ठीक है, मुझे आप बोलेंगे ना ठीक है बच्चा चाहिए, वो भी मैं आपको मंगवा दूंगा। हाँ इनकी मैं सेल रसीद दूंगा, ठीक है, सेल रसीद के साथ ये चलते हैं, इनकी सेल रसीद होती है। नहीं नहीं लाइसेंस तो नहीं होता, मिनी जू का होता है, मिनी जू का होता है, किसी ने मिनी जू बनाना है तो उसका लाइसेंस वगैरह बन जाएगा, वैसे एक आधा रखने के, हाँ उसको सेल रसीद चलती है ज्यादा, तो उसका कोई इशू वगैरह तो नहीं निकलता आगे कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी ये देख रहे हैं ना डरा हुआ है, अभी ये परचेज ही करके लाए हो। ये कहाँ से लाए हैं? ये पेशावर से आया। वैक्सीन प्रॉपर एक कार्ड वगैरह होता है? हाँ जी प्रॉपर प्रॉपर। कितने का, यानी कि रमजान भाई खर्चा कितने का आएगा लाइन की? अरे हाँ जी भाई, वैक्सीन का खर्चा कितना है? पहले वैक्सीन जो है ना इनकी, इनकी जो वैक्सीन है ना भाई, ये 5,000 रुपए का पहला इंजेक्शन लगता है, ठीक है, ये 3 मंथ की एज में इनको लग जाता है। और अभी जो जिसे मैं लेके आया उसने कहा ये सारी वैक्सीन इसकी कंप्लीट है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और सिर्फ घर में इसको छोड़ना है, नॉर्मल है ये। पेपर वगैरह भी लिए होंगे? पेपर वगैरह हर चीज मेरे पास है इसकी वैक्सीन की। ये 5 kg ये चिकन लेता है, 5 kg ये बीफ ले रहा है, ठीक है, 2 टाइम ये ले रहा है, बॉइल बॉइल दे दे वैसे डाल दे, पर ये बॉइल पे लगा हुआ है, बॉइल बड़े शौक से लेता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है गब्बर है, गब्बर, गब्बर बड़ा फॉलो करते हैं। अभी अभी लेके आया हूँ तो आपके सामने ही है, अभी मेरे साथ जस्ट नहीं है, ये 2 दिन के बाद आप देखना मेरे साथ डांस करेगा। ये भी स्पेशल छूट के लिए शॉप के ऊपर है, वैसे इसने फार्म पे ऐसे ही रमजान क्या स्पेशल? हाँ ये सिर्फ शूट पे, शूट पे ही आया है। इंशाल्लाह मेरे पास 2 कप भी हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ। ये कप है माशाल्लाह 2 महीने 10 दिन के हो गए हैं, मेल फीमेल पे है माशाल्लाह, देख रहे हैं आप कप। और वैक्सीन के बारे में जरा, इनको पहला शॉट अभी वैक्सीन का कम्प्लीट हुआ है भाई, ये केजी खा रहे हैं चिकन, ठीक है, 2 टाइम मैं इनको खाना दे रहा हूँ, 1 टाइम चिकन खा लेते हैं, 1 टाइम ये बीफ खा लेते हैं, और ये इनकी जो ब्लड लाइन है वो अफ्रीकन लाइन है, ये प्योर अफ्रीकन लाइन है। ये आपके पास यानी कि होम ब्रीड है या कहां से? नहीं ये फार्म पे, इनकी मदर भी अपने पास है, इनका फादर, हाँ जी मदर भी अपने पास है, इनका फादर भी अपने पास है, ये फार्म है उससे लेके आए हैं, और ये अभी माशाल्लाह घर पे रखेंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको फार्म पे भेज देंगे। जी भाई इसके बारे में बताइएगा यार जरा। भजन ये 10 महीने का मेल है माशाल्लाह। और वैक्सीन वगैरह के हाँ जी, अभी ये डल्ट हुआ नहीं है, 10 महीने का अभी ये बच्चा है। और वैक्सीन का क्या है, कितने शॉट वगैरह? वैक्सीन इसको सारे कंप्लीट है, 3 शॉट इसको वैक्सीन लगे हुए हैं, ये ट्रिपल कोटेड है, ब्लैक मार्क्स है, ये सारा कोर शेड है, ये सारे नए बाल इसके प्रॉपर निकल रहे हैं, वाइट वगैरह का तो कोई बहुत, सीन नहीं है, बहुत लविंग है माशाल्लाह, कमाल की चीज है, हर चीज इसकी बहुत प्यारी, बहुत प्यारे काम, इसकी लेंथ माशाल्लाह देख लें आप, लेंथ माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी लेंथ का मेल है। और कोई मैंने आपके पास, ये मैंने कल परचेज किया है, तो मैंने कहा शेरों की वीडियो डालनी है साथ ही माशाल्लाह, ये कुत्ते शुत्ते भी आ जाएंगे, जरा वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये फीड वगैरह में क्या क्या दे रहे हैं आप इसको? चिकन बॉइल ले रहा है, और 1 टाइम मैं इसको डॉग फूड दे रहा हूँ, और माशाल्लाह मेल देखें आप, ट्रिपल कोटेड है, ये सारे जो नजर ही आ रहा ना उसके नेक के जो बाल है ना, ये सारे ब्लैक है,
ये ब्लैक मार्क्स जन्मशब्द है, ट्रिपल कोटेड है, प्योर ब्लैक होता चला जाएगा अभी के साथ साथ अभी ये बच्चा है और ये सारा कुछ इसका पूरा है, इसके दांत पूरे हैं। अक्सर जन्मशब्द में ऐसा होता है कि सिंगल टेस्टिकल आ जाते हैं, कोई भी डीलर नहीं बताता कि ये सिंगल टेस्टिकल है, ये ब्रीड नहीं करेगा, और ये माशाल्लाह ये डबल टेस्टिकल है और ये ब्रीड भी करेगा, बच्चे भी डालेगा, अलग क्वालिटी है। किसी भाई ने स्टार्टर के लिए भी रखना हो, लोग इस तरह के डॉग जो है लोग इंपोर्ट करवाते हैं, पर ये अभी मार्केट में बंधा हुआ है। और ये आपकी तरफ से कोई व्यू आता है भाई, आपकी तरफ से आता है तो इंशाल्लाह उसके साथ ताउन अच्छे वाला होगा। तो इसके चार्जेस क्या होंगे वैसे ही एक आइडिया भाई में नीचे तो है। मैं इसका 1,30,000 रुपया मांग रहा हूँ, 10 महीने का बच्चा है और ट्रिपल कोटेड है। फाइनल होंगे या फिर थोड़ी नहीं थोड़ी तो कमी पेशी इंशाल्लाह आपके आपकी तरफ से कोई आएगा तो उसकी दम भाई क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी करते हैं आगे भी करते रहेंगे। अच्छा रमजान भाई से वगैरह के क्या सीन है? वॉक इसको एक घंटा इसको वॉक बहुत जरूरी है, आधा घंटा घंटा वॉक, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इसको वॉक जरूरी है। तो आप इसे बाइक वगैरह पे करवाते हैं, पैदल लेके? नहीं नहीं अभी तो ये मेरे पास कल आया ना वो तो बाहर जो भाई वगैरह कर रहा था, किस तरह आप जारी सी बात है आपने सब कुछ जो कर रहे थे मैंने उनसे पूछा है, वो अपनी लेन में इसको वॉक करवाते हैं, ठीक है आप वॉक लेन में करवा लें या इसको आप वॉक करवा लें उस पे क्या कहते हैं उसको बाइक पे पार्क पे करवा ले, बाइक पे जो आप कह रहे हो ना बाइक पे वॉक नहीं करवानी चाहिए, कुत्ता जो होता है ना क्योंकि ये वाली जो नीचे वाली इसकी तली है ना वो खराब हो जाती है, नीचे से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वो फट जाती है, कोई पत्थर लग जाता है, ये जानवर ब्लड निकलना शुरू लंगराना शुरू कर देता है। उससे अच्छा ये है कि आप बाइक पे वॉक ना करवाए, कुत्ता अपनी मर्जी से चले, बाइक पे कुत्ते ने अपनी मर्जी से चलना नहीं है। अच्छा ये इस टाइम डॉग फूड पे है या वैसे ही? नहीं अभी डॉग फूड पे भी है, चिकन बॉइल पे भी, आप जिस पे मर्जी इसको लगा ले। अभी देख लें आप, माशाल्लाह खड़ा है आराम से खड़ा है। अच्छा बात नहीं है, कुछ लोगों का ये भी होता है कि मार्केट वाले अपनी वीडियो बनवाने के लिए चार तरीफे ज्यादा करके निकाल देते हैं, तो नहीं, नहीं, की बात से मेरी जरा बात कंप्लीट होने दें। अगर आपसे कोई लेके जाता है, अल्लाह ना करे कोई आपसे जो लेके गए हुए उनके अगर बीमार हो जाते हैं और वो आपको फोन करते हैं तो फिर आपका क्या रिप्लाई उन्हें आप क्या देंगे अगर वो कहते हैं भाई हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में? भाई लोग डॉग ले जाते हैं जी, पहले नंबर पे ये है कि दुकानदार से वो पूछते नहीं है इसको खाना क्या देना, इसकी वैक्सीन का नहीं पूछते, ठीक है वो हमारे से वैक्सीन का पूछे, डॉग की प्रॉपर का पूछे, क्या किस तरह रखना है, किस तरह वॉक देनी, खाना किस टाइम खाएगा, लोग नहीं पूछते। जब 10 दिन 12 दिन अपने घर में रख लेते हैं जानवर बीमार हो जाता है फिर हमें कहते हैं जी जानवर बीमार हो गया, हद से ज्यादा बीमार होता है, हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास भागते हैं, ठीक है लोग जो होते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं, दुकानदार के कान खाते हैं जी ये बीमार हो गया। कोई भी पेट बीमार होता है मैं भाइयों को यही बोलूंगा उसको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, बीमार होते हैं हम भी सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं बाद में किसी को बताते हैं हम बीमार हैं। आपने इसे शावर वगैरह नहीं दिया? अगर नहीं दिया होता तो ज्यादा नहीं कर ये अभी जाता अभी ये देखे ना इसकी कोट देखे माशाल्लाह ये अभी कुछ भी नहीं है अभी ये बनने है, इसकी नेक देखे अभी बाल इसके ये सारे इसकी कोट है ट्रिपल कोटेड है। ये शो वगैरह में लेके जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं ये शो में जाएगा, 8 महीने का अभी बच्चा है, 10 महीने का बहुत प्यारा बच्चा है, शो लाइन बच्चा है देखें इसकी, ज्यादा ओवर हाइट नहीं है, ज्यादा बड़ी हाइट का नहीं है, जो ज्यादा बड़ी हाइट का होता है वो शो में तो चलता नहीं है, और ये ब्रोकन टॉप लाइन नहीं है, ये बिल्कुल अपनी एंगुलेशन पे पूरा ही कंप्लीट है। इस तरह के लोग जो है ना डॉग इंपोर्ट करवाते हैं 6-7 लाख रुपए का ये पाकिस्तान में पड़ता है, और इसकी मैं ज्यादा प्राइस भी नहीं मांग रहा, 1,30,000 रुपए इसका मांग रहा हूँ। ये पेडिग्री है नॉन पेडिग्री? ये नॉन पेडिग्री है, अगर किसी को चाहिए होगा इसको सिंगल रजिस्टर्ड पेडिग्री करवाना है तो मैं पेडिग्री भी करवा दूंगा, और आपके पास जो पेडिग्री पे चार्जेस लगते हैं वही उन्होंने देने हैं आपको। और आपके पास कौन सी ब्रीड है आपके पास? मेरे पास अभी कैट्स की भी वीडियो अभी मैं देता हूँ आपको, और डॉग जन्मशब्द पड़े हैं, एक और मेल पड़ा हुआ है, एक फीमेल पड़ी है जन्मशब्द ब्रीडर फीमेल पड़ी है, काफ़ी डॉग हैं इंशाल्लाह मैं आपको सारे दिखाता हूँ। बनी ये 12 महीने का मेल है, ब्लैक मार्क्स है, ये भी मैंने अभी परचेज की है, ये भी फॉर सेल है रमजान भाई, ये भी फॉर सेल है, ट्रिपल कोटेड तो नहीं है आप इसको कह सकते हैं, आप इसको मीडियम कोट डबल कोट आप इसको कह सकते हैं। एज क्या है रमजान भाई? बहुत प्यारा मेल है, क्या एज इसकी 12 महीने में एज है इसकी, अभी मैं आपको चला फिरा के भी दिखाता हूँ, बहुत प्यारा है। और वैक्सीन वगैरह के क्या सीन है रमजान भाई? वैक्सीन वगैरह इसकी सारी कम्प्लीट है, इसके वैक्सीन कार्ड मेरे पास सारा पड़ा हुआ है। इसकी डिमांड आपने क्या कही? इसका डिमांड मैं 70,000 रुपये इसका मांग रहा हूँ, ज़्यादा पैसे तो इसके मांग नहीं रहा, ब्लैक मार्क्स है ये, उससे बड़ा है या छोटा है? ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। हाँ, ये 2 महीने बड़ा है, ये 10 महीने का है, ये 12 महीने का है। सही, दूसरा कौन सा आपके पास वीडियो? ये फीमेल है मेरे पास, ये हो रही है हमने का जरा ना जल्दी जल्दी करो। हाँ, फीमेल भी आपको दिखाता हूँ, ये ले ये फीमेल है, ये ब्रीडर फीमेल है माशाल्लाह, फीमेल देखिए।
ये फीमेल जो है ना भाई मीडियम कोट है, मेल डबल कोट है, ठीक है, और ये दोनों फॉर सेल है। इसकी वैक्सीनेशन वगैरह क्या सीन है? फीमेल जो है वैक्सीन कंप्लीट है, मेल की भी वैक्सीन कंप्लीट है। इनके कार्ड वगैरह होंगे? कार्ड वगैरह मेरे पास पड़े हुए दोनों के। अच्छा, फीमेल की आप क्या डिमांड कर रहे हैं? फीमेल का मांग रहा हूँ 50,000 रुपया, मेल का मांग रहा हूँ 70,000 रुपया। इसने ब्रीड वगैरह पहली ब्रीड की है, 9 बच्चे इसने दिए हैं ये फीमेल ने, और मैं ये मेरे पास पोर्टल पड़ा हुआ है जी। ये पूडल मेल है मेरे पास, बहुत ज्यादा लविंग होते हैं, ये अनडोर कमरे में रहने वाले डॉग है माशाल्लाह, और ये देखिए बहुत लविंग होते हैं। इनका बाइट वगैरह का तो कोई सीन नहीं है? बाइट तो बिल्कुल नहीं करते ये बच्चों को, जिस तरह मर्जी आप दें कोई डर नहीं। वैक्सीन वगैरह इसकी सारी, इनकी कोई स्पेशल वॉक होती है? क्योंकि ये आप कह रहे हैं नहीं, इंडोर हैं ये वाले, ये तो छत पे भी आप छोड़ देंगे इनकी वॉक पूरी हो जाएगी। और क्या प्राइस क्या करेंगे आप इसकी डिमांड? ये डिमांड तो इसकी मैं ज्यादा नहीं कर रहा, 30,000 रुपया मांग रहा हूँ इसका, ठीक है। और एक मेरे पास मेल पड़ा हुआ है, वो भी पूडल है, बस मेल है पूडल, ठीक है। ये दोनों मेरे पास मेल है, और ये कम एज की है, 8-10 महीने की इनकी एज है। अच्छा, गोल्डन शेड आ रहा है एक तरफ से, ये क्या? इसके कानों पे गोल्डन शेड है, एक साइड पे इसके वाइट है। बाकी ये मेल है फीमेल है? ये मेल भाई, दोनों मेरे पास मेल है, दोनों मेल है। ये भी फोर सेल है? ये भी फोर सेल है, ये भी 30,000 रुपए का मिल जाएगा, वो भी 30,000 रुपए। नॉन पेट है दोनों? नॉन पेट है, पेडिग्री देंगे, सिंगल रजिस्टर हो जाएंगे। इनके कोड में क्या आएंगे? ये ट्रिपल कोटेड होते हैं, ट्रिपल कोटेड होते हैं। और यानी कि इनके हेयर वगैरह? हां जी, अभी तो ये सारे निकल गए हैं, गर्मियों के बाल हैं ये, सर्दियों में इंशाल्लाह बहुत प्यारे हो जाएंगे। देखिए ये पपी पड़ा हुआ है, ये शेप डॉग इसको कहते हैं। और ये मेल है या फीमेल है? मेल है ये, बहुत लविंग होते हैं ये, 3 माह का है ये। ये भी फोर सेल है? हाँ जी, ये भी फोर सेल है, 20,000 का ये मिल जाएगा। और फीड वगैरह आप इसको क्या? फीड वगैरह इसकी चिकन बॉइल है, कैट फूड, डॉग फूड है, जो मर्जी आप इसको दें। वैक्सीन कंप्लीट है? वैक्सीन सारा कुछ हुआ है, पहला शॉट इसको लग गया हुआ है। डिमांड इसका 20,000 फाइनल है, हो जाएगा कुछ कमी पे। और भी दिखाएंगे रमजान भाई? और भी दिखाता हूँ, मैं आपको कैट के किटन दिखाता हूँ जो अपने पास पड़े हैं। सही, ओडाई में है, बड़े ये ट्रिपल कोटेड किटन है, इनके अंदर 2 बच्चे ओडाई हैं, एक बच्चा येलो आई है, तीनों बच्चे माशाल्लाह ट्रिपल कोटेड है। आप इधर ही रहो जी रमजान भाई, ये बताइएगा आइज वगैरह, ये कौन सी आइज में है? ये ओडाई है। सही, और डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं आप? डिमांड इनका 15,000 मांग रहा हूँ, ट्रिपल कोटेड है, 5 पीस है, पर पीस का 15,000, पर पीस 15,000 रुपए का, माशाल्लाह क्वालिटी देख लें आप। और फीड वगैरह का जरा इन्हें गाइड कर दें। ये कैट फूड खाते हैं, इनको सिर्फ कैट फूड देना है, अगर आप चिकन बॉइल देंगे थोड़ा सा बीमार होएगा, लूज मोशन पे आएगा, फिर दोबारा ठीक होएगा। ये कैट फूड पे है, इनको कैट फूड पे रखे बेटर रहेंगे इंशाल्लाह। मदर फीड पे है या सेल्फ पे है, क्या सीन है? ये सेल्फ फीड पे है, मदर फीड पे तो नहीं है, ये 4-5 दिन से मेरे पास है, सेल्फ फीड पे आ गए हैं। थोड़ी कमी पेशी हो जाएगी? कमी पेशी हो जाएगी कोई आपकी तरफ से। ट्रिपल कोटेड मेरे पास पेड़ है, ठीक है। ये बिल्ला जो है ये 2-2.5 साल का माशाल्लाह ब्रीडर है, ये बिल्ली जो है ये 12 महीने की, एक दफा ये ब्रीड, हाँ एक दफा बिल्ली ब्रीड कर चुकी है, दोनों ट्रिपल कोटेड है, 5 फेस है, अच्छी क्वालिटी की है, ब्रीड के लिए बहुत आला क्वालिटी है। फोर सेल है? फोर सेल है। बिल्ला जो है 22,000 रुपए का, बिल्ली जो है वो 15,000 रुपए। अगर हमने पेड़ लेना है, कोई अगर पेड़ लेना होगा तो ताउन होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी। कौन सी ब्रीड है, क्या सीन सिस्टम है? ये पाइथन है, ठीक है, ये अभी जो है 4 महीने का बच्चा है, ये बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने अपने शौक के लिए रखा हुआ है। जरा ये बता दें, इस टाइम सारे पेट शॉप के ऊपर क्यों आए? शॉप इसलिए लेके आया हूँ कि आपके जो चैनल से आते हैं लोग, ठीक है, उनकी डिमांड थी कि आप स्नेक की वीडियो डालें, तो इंशाल्लाह ये मैं स्नेक लेके आया हूँ, फार्म से स्पेशल मंगवाया है ये सिर्फ वीडियो डालने के लिए, बहुत लविंग है ये। फीड वगैरह कोई स्पेशल क्या करते हैं ये? ये रैबिट खाता है, स्पैरो खा लेता है। ये भी अपनी जिल्द जो है ऊपर की चेंज भी करेगा? हाँ ये चेंज करेगा, पर अभी इसने चेंज कर ली है, सारा न्यू इसकी है। सही, ठीक हो गया रमजान भाई, ओके जी।